हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके क्या कहना चाहते हैं आपसे, और इसी को लेकर ये रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और गर्ल्स बॉय सभी के लिए रीडिंग होगी। स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के साथ। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में। टू ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, अगेन थ्री एनर्जी, द लवर्स, जजमेंट, जी और कार्ड हम बाद में लेंगे। तो आप लोग हैं ट्विन फ्लेम्स, हायर लेवल सॉलमेट और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है वो, और ये हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं अभी। और आपके पर्सन का अगर साइन यहाँ देखें हम जॉडिक साइन, तो वो होंगे कैंसर स्क्रॉपियो पाइसिस, यानी वो कर्क राशि के हैं और मीन राशि के, या स्क्रॉपियन हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के वो हो सकते हैं। और सोर्स एनर्जी भी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। और वहीं आप लोगों के लिए जेमिनी काफी स्ट्रांग है, तो आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है वो जेमिनी हो, मिथुन राशि के हो, ये काफी ज्यादा लोगों के लिए होगा। पर यहाँ आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है, काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जो इस वीडियो से जुड़े हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है और आपके पर्सन काफी डीप फीलिंग्स रखते हैं आप लोगों के लिए। दोनों कार्ड्स आप देख रहे हैं, द लवर्स कार्ड्स का यहाँ आना इस बात का इंडिकेशन है कि आपके पर्सन आपके लिए काफी डीप फीलिंग्स रखते हैं, रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं और यही वो आपके साथ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। मे बी आपके बीच में पर थर्ड पार्टी सिचुएशन सीन भी लग रहा है, क्योंकि थ्री की एनर्जी हमारे पास आई है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, वहीं थ्री ऑफ कप्स भी है, और ये लग रहा है कि उसी वजह से शायद आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है या कोई प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में ऐसी हुई है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है। ये कोई पर्सन हो, थर्ड पर्सन ये भी हो सकता है, और उनकी फैमिली हो या कोई रिलेटिव, या कोई उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप से और इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा भी परेशान है। और यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी दिख रही है कि वो काफी जल्दी आप तक आना चाहते हैं और ऑब्स्टिकल्स को हटाना चाहते हैं। और जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में अभी कुछ एंड अप हुआ है, मे बी आप लोगों का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, या जैसा थ्री की एनर्जी हमें दिख रही है, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, तो कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसी वजह से आप लोग काफी स्टक हैं और अभी आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ रिलेशनशिप में आपने अप एंड डाउन्स देखे हैं, उसी वजह से आपके पर्सन अब आपको जजमेंट देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ हम रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो उन्हें शायद अब ये रियलाइज हो गया है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप उनके सोलमेट हैं और वो आपके साथ काफी डीप और इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, काफी उनको कनेक्शन फील होता है आपके लिए और यही रोमांटिकली काफी फीलिंग्स रखते हैं और वो इस चीज को शेयर करना चाहते हैं। यहाँ इमोशंस काफी दिख रहे हैं, आपके पर्सन जो भी हैं उनके अंदर डीप इमोशंस है, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत क्रिएटिव पर्सन है जो भी आपके हैं और काफी ब्यूटीफुल हैं या हैंडसम हैं, अगर वो गर्ल या बॉय दोनों के लिए मैं यहाँ पर्सन वर्ड यूज कर रही हूँ, तो वो जो भी आपके पर्सन है वो काफी डीप फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, काफी गहरा प्यार है उनके अंदर और वो इस चीज को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे। और जो उन्होंने कुछ गलत किया है, जैसे कुछ लोगों के साथ तो डेफिनेटली कुछ हुआ है, क्योंकि जजमेंट कार्ड तभी आता है जब आपने किसी एक एंडिंग को देखा है, उसके बाद उसमें फिर से एक ग्रोइंग आपके लिए एक सिचुएशन आने वाली है और ये यूनिवर्स गॉड आपको देंगे रीबर्थ जैसा सिचुएशन होगा, जैसे एक एंड के बाद फिर से नई शुरुआत हो सकती है आपके रिश्ते की और ये शुरुआत बहुत जल्द होगी, यूनिवर्स आपको वो न्याय देगा और आपके पर्सन भी आपको उस तरफ कह सकते हैं एक नई शुरुआत के लिए स्टार्टिंग, एक रीस्टार्ट चाहते हैं और यही वो बताना चाहते हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा, अगर आपका रिश्ता कहीं किसी रफनेस से गुजरा है, जैसा थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी इंटरफेयर की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ या डिस्टेंस ज्यादा था, लॉन्ग डिस्टेंस था, तो
ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो फिर से इस चीज को ठीक करें और आपको जजमेंट देंगे और फिर से नई शुरुआत होगी, और यही वो चीज कहना चाहते हैं कि आपके साथ वो कितना डीप और इंटेंस फीलिंग रखते हैं। जजमेंट और एज ऑफ पेंटिकल्स का साथ में आना इस बात की कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है कि ये रिश्ता फिर से ग्रो होगा और वो इसी चीज को कहना भी चाहते हैं। फिर से शायद आपको कॉन्टेक्ट करें, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो बहुत जल्द आपके पर्सन आप तक आएंगे और चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी भी इसी तरह की है कि वो अपना आप चार्ज लेना चाहते हैं सिचुएशंस पे। वहीं कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्रिविलेज लेडी, ग्रेट फॉर्चून, हाई ऑनर, मेन मेल जी। आपके पर्सन जो हैं वो अब काफी कह सकते हैं कि ग्रोइंग वे में इस रिश्ते को देखना चाहते हैं। प्रिविलेज लेडी मानते हैं वो आपको, और अगर आप बॉय हैं तो आपको मेन मेल मानते हैं अपनी लाइफ में, और वही चीज वो कहना चाहते हैं। हाई ऑनर, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और ग्रेट फॉर्चून, आप लोगों के लिए लक भी काफी फेवर में आ रहा है आप लोगों के लिए, और यही आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। वहीं नंबर 7 आया है 25, तो आप अगर इसको ऐड करते हैं तो 7 नंबर होगा, तो ये ग्रेट फॉर्चून का नंबर भी है। और वहीं थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल आए हैं हमारे पास, और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। गॉडेस ऑफ मून, केयरिंग कनेक्शन जी। आर्कएंजल यूरियल आपको ब्लेस करने के लिए हैं, सेवंथ चक्रा, और गॉडेस ऑफ मून भी हैं, तो आप अपने इंट्यूशंस को अगर फॉलो करते हैं और थोड़ा प्रेयर करते हैं आपको बहुत जल्द क्लियरिटी मिलेगी। और यहाँ आपको रेस्ट एंड रेजोल्यूशन की भी जरूरत है। अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि रिश्ता कैसे फिर से ग्रो होगा, एक डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। जैसा आप लोगों के लिए कार्ड आया था टू ऑफ कप्स, तो आप लोग हैं ट्विन फ्लेम्स हैं और सोलमेट्स हैं, तो सब कुछ ठीक होगा, एक डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होगा आप लोगों के लिए। और आर्कएंजल्स आए हैं आपको ब्लेस करने के लिए, जैसा थर्ड चक्र आर्कएंजल आपके पास आए हैं आर्कएंजल जेमिनी, जो इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि लाइफ फोर्स एनर्जी और पॉजिटिविटी को लेकर आए हैं। और वहीं आर्कएंजल यूरियल भी आपको ब्लेस करने के लिए आए हैं सेवंथ चक्र, तो बहुत जल्द आप हीलिंग को पाएंगे। और आपको सेल्फ हीलिंग पे अभी ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव एक स्पेशल कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए अभी अपने आप पे हील होना, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं लेना है आपको कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं। अगर किसी परेशानी को लेकर जैसा थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, या कुछ थ्री ऑफ कप्स आपका फ्रेंड्स सर्कल जो है या आपके कोई कॉमन फ्रेंड है वो आपको एक करने में फिर से कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प आपको होगी, पर ये सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अभी आपको थोड़ा रेस्ट और रिजोल्यूशन की जरूरत है, और अपने इंट्यूशंस को सुनिए, भगवान और आध्यात्म पे थोड़ा सा आपको कनेक्ट होना चाहिए, रिलीजन से या अगर आध्यात्मिक है तो आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने अंदर कह सकते हैं कि एक मेडिटेशन के थ्रू आप अपने अंदर थोड़ा पीस ऑफ माइंड को पाइए और एक फ्लो के साथ आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा रश मत कीजिए। और कैरिंग कनेक्शन, ये रिश्ता जो है फिर से ग्रो होगा और आपकी पर्सन आपकी केयर करेंगे काफी, बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस आप अभी देखेंगे। 14 नंबर आया है, 5 नंबर बहुत बड़े चेंजेस को दिखाता है, और कैरिंग कनेक्शन यहाँ आपके लिए बुके है, तो बहुत सारी खुशियां आप लोगों के लिए वेट कर रही है। अगर आप लोगों के बीच में कहीं नो कॉन्टेक्ट था या लॉन्ग डिस्टेंस था, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो बहुत जल्द आपको उसमें क्लियरिटी दिखेगी और आप बहुत जल्द इनसे मिलेंगे। और ये हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फिर से कांटेक्ट करें, और इसी चीज को वो सोच रहे हैं और आपसे कहना भी चाहते हैं कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत इज्जत भी करते हैं। जैसा हाई ऑनर का कार्ड आया था हमारे पास पिछली डेक से, तो वो आपका काफी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको काफी कुछ कह सकते हैं इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, और वो बहुत जल्द ऐसा करेंगे भी। और आपका रिश्ता अगर किसी रफनेस से गुजर रहा है तो वो बहुत जल्द ठीक भी होगा। वहीं हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं फेरी टैरो डेक से कि फेरीज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं। द हर्मिट, अवेकनिंग,
यूनिटी जी, ऐसा हो सकता है कि आप लोग अलग 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 कास्ट से हैं दोनों, या आप लोगों के बीच में कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। अगेन नंबर 5 है, आप लोगों की सिचुएशन में चेंज आएगा। वहीं जो मैसेज है, डू द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू ए स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग अलग अलग कम्युनिटी से हो सकते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर क्लियरिटी चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और न्यू अप्रोच को फॉलो करें या पुराने साइड जाएं, या अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है और वो डिफरेंस की वजह से है, पर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट। ये सेल्फ एनालिसिस का टाइम है, आप अपने आत्मदर्शन या अंतर चिंतन से बहुत जल्द क्लियरिटी को पाएंगे। फाइंड और बी ए मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अगर थोड़ा सा धार्मिक होते हैं या आध्यात्मिक रहते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको बहुत जल्द क्लियरिटी मिलेगी। और जैसा आप लोगों का कनेक्शन जो है वो एक केयरिंग कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट्स हैं, तो थोड़ी टफ आपकी जर्नी हो सकती है, पर आप लोग फिर से एक होंगे। अगर आप लोगों का कहीं कुछ कम्युनिकेशन ब्रेक आया है तो वो बहुत जल्द दूर होगा। थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस उन्हें भी करने दीजिए, वो उनको आत्मचिंतन करने दीजिए कि उनसे कहां गलती हुई है। अवेकनिंग होगी, उनको पता चलेगा आप उनके लिए बिल्कुल सही राइट चॉइस हैं, और वो इस चीज को शेयर भी करेंगे, आपसे कहेंगे भी। यहाँ 1-2 नंबर आया है, 3 नंबर, तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ जो मैसेज है, चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, ए टेम्पररी पॉज इन द एक्शन। जी, आपको यूनिवर्स भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अभी सिचुएशन जैसी है उसको वैसे ही रहने दीजिए और उन्हें आत्म चिंतन करने दीजिए या अपने अंदर झांक के देखने दीजिए। और कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि के हों, और ये टाइमिंग जो है वो यही सोच रहे हैं, अपने ऊपर वो पूरा फोकस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास रेस्ट एंड रिजोल्यूशन का कार्ड भी था, एनर्जी ओरेकल डेक से, और अवेकनिंग का कार्ड है, तो ये टाइमिंग आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, रेस्ट रिजोल्यूशन पे ध्यान देना है, और आपके पर्सन भी अभी यही सब कर रहे हैं। तो आपका कनेक्शन जो है बहुत केयरिंग कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट्स हैं, और काफी डीप और इंटेंस फीलिंग आपके पर्सन रखते हैं, जैसा था लवर्स कार्ड आया था हमारे पास, और यही चीज वो शेयर भी करना चाहते हैं। वहीं हम कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ में आई लाइक यू बिकॉज यू सपोर्ट मी एंड लव मी, ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। और आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव, जब आप उन्हें छोड़ के जाते हैं उसी टाइम से वो आपको मिस करते हैं, यही वो कहना चाहते हैं। योर आर्म्स फील मोर लाइक होम देन एनी हाउस एवर डिड, ये भी वो कहना चाहते हैं, उनको आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील होता है। और क्या कहना चाहते हैं, यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स टूडे टुमारो एंड फॉर एवर, जी वो आपके हैं हमेशा से और हमेशा रहेंगे। आई लव हाउ यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम, उनको पसंद है कि आप उन्हें जैसे हैं वैसे ही पसंद करते हैं। वहीं कुछ और मैसेजेस भी लूंगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, ट्रस्ट मी माई लव, जी वो कह रहे हैं कि वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, आप उन पे भरोसा रखें, उन पे विश्वास रखें। यू आर द रीजन आई बिकम स्ट्रॉन्गर बट स्टिल यू आर माई वीकनेस, आप उनके लिए बहुत कुछ हैं, वो जहां आपके साथ स्ट्रांग फील करते हैं वहीं आप उनके लिए कमजोरी भी हैं, और वहीं मिस यू एवरी डे, जी वो आपको हर दिन याद करते हैं। एक मैसेज और लूंगी मैं, आई स्टिल लव यू एंड केयर फॉर यू, जी वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही सब मैसेजेस से कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।